अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को मैं ओपन कर देता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस को। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, हम CSS टेक्स्ट के बारे में सीखना, मतलब कि CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कलर प्रॉपर्टी। ऑलरेडी एक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, चलिए इस वीडियो में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं फाइल पर आता हूँ, न्यू पर आते हैं और यहाँ पर न्यू फाइल बन गई। और यहाँ पर मैं बेसिक कोड HTML का मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। इसे यहाँ पर क्लिक करने से सेव करेंगे। मैं इस फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, तो इस फोल्डर में आ गई। इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे टाइटल अपनी मर्ज़ी से दिया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर जस्ट टेक्स्ट लिख दिया मैंने, राइट। इसको मैं यहाँ से क्लिक करने से सेव करता हूँ। अब यहाँ पर बॉडी सेक्शन पर आते हैं। बॉडी पर आकर मैं यहाँ पर H1 हेडिंग देता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ जिस फोल्डर में इसको सेव किया वो ये फोल्डर है, न्यू फोल्डर 4। यहाँ पर इस फोल्डर में मैंने सेव किया हुआ है, ये वेब पेज है, तो इसको मैं ओपन विद कर देता हूँ फायरफॉक्स। आप गूगल क्रोम भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप H1 हेडिंग में जो मैंने लिखा था वो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर टाइटल पर जो मैंने लिखा था टेक्स्ट, तो आप टाइटल पर भी देख सकते हैं। अब मैंने अप्लाई करनी है इस एलिमेंट पर CSS, तो मैं इंटरनल CSS ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हेड टैग में आकर जिस तरह टाइटल दिया है, तो एक और टैग ऐड करेंगे जिसका नाम है स्टाइल। और अब यहाँ पर मैं इंटरनल CSS दे सकता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी देनी है CSS की, कलर प्रॉपर्टी। तो इट्स वेरी सिंपल कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ID सेलेक्टर का मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसलिए ID एट्रीब्यूट दूंगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं कह देता हूँ H, चलिए H1 कह देते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं हैशटैग लिखूंगा और H1 लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं कलर वाली CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड। उसको मैंने किया सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो गया। अगर मैं इसे ग्रीन कर दूँ तो ये ग्रीन हो गया जी, ठीक है। आई होप कि लाइट ग्रीन भी होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लाइट ग्रीन लिख दूँ तो यहाँ पर लाइट ग्रीन आ रहा है नज़र आप, ठीक है जी। अब यहाँ से ये तो हमने सीख लिया कलर प्रॉपर्टी को, अब हम सीखेंगे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को। तो टेक्स्ट अलाइन मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन तीन तरह से अक्सर किया जाता है, लेफ्ट राइट और सेंटर। तो यहाँ पर लेफ्ट से इसे मैं सेंटर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेंटर लिख देंगे, सेव करेंगे, यहाँ पर आगे रिफ्रेश करेंगे, तो ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट, ठीक हो गया जी। अब जो भी लिखेंगे ये सेंटर में ही लिखा जाएगा इस एलिमेंट के, ठीक है। ऐसे एलिमेंट के जो भी कंटेंट होगा वो वेब पेज के सेंटर में दिखाई देगा, क्योंकि ये CSS की प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी हुई है। कौन सी, टेक्स्ट अलाइन, जो कि मैंने सेंटर रखी है। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होती है, तो हम देने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये लेफ्ट पर नज़र आ रहा है। राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये राइट साइड पर प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, ये एलिमेंट का कंटेंट है, यहाँ पर राइट साइड पर आ रहा है। अब क्लियर हो गया। मैं सेंटर में चाहता हूँ तो यहाँ पर सेंटर ही लिख देते हैं। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आकर तो सेंटर में आ गया। अब नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी हम देखें डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है कि हम, अभी मैं ऐसा करता हूँ,
अब जो टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, वो चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायरेक्शन, यहाँ पर मैंने राइट टू लेफ्ट, ठीक हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ, गौर कीजिएगा अब ज़रा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखा जा रहा है, ठीक है, कि राइट से लेफ्ट की तरफ को लिखा जा रहा है। अब ये अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट करना चाहता हूँ, तो पहले लेफ्ट के लिए एल टू राइट, ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही होता है, तो यहाँ पर देखें लेफ्ट टू राइट आ रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश में जाहिर सी बात है राइट टू लेफ्ट ही होता है, लेफ्ट टू राइट ही होता है ज़्यादातर। तो आई होप के क्लियर तो हो गया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट एल टी आर ही रहता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो आप आर टी एल भी कर सकते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी ये नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता, तो इसे मैं हटा देता हूँ, इसे सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आते हैं, अब नेक्स्ट हम CSS की जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वह जी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में आप कौन सी हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, वो हैं, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, वो हैं जी ओवरलाइन, लाइन थ्रो, अंडरलाइन, ओवरलाइन, ओवरलाइन थ्रो, दोनों अभी आप ऐड कर सकते हैं। चलें किस तरह से देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ओवरलाइन लिखते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसके ऊपर ओवरलाइन आ गई है, ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं। चलें इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, डार्क रेड, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें जी डार्क रेड की बजाय रेड ही कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें जी ऊपर ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ऊपर, ये है ओवरलाइन। तो इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की प्रॉपर्टी, लाइन थ्रो, लाइन थ्रो बिल्कुल उस कंटेंट के सेंटर से गुजरेगी, जिस तरह एस टैग या डेल टैग से नहीं होता। चलें जी लाइन थ्रो, लाइन को मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आके, तो ये देखें लाइन थ्रू, ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट कौन सी है जी, अंडरलाइन, मतलब इसे अंडरलाइन हो जाएगी, तो अगर मैं दोनों ऐड कर दूँ ये वाली, ठीक है, ओवरलाइन और अंडरलाइन, तो क्या होगा, तो अंडरलाइन भी होगी और ओवरलाइन भी होगी, तो चेक कर लेते हैं, उसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, तो ये आप देख सकते हैं क्लियर हो गया। अब आते हैं जी किस प्रॉपर्टी की तरफ, हम टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, कि ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये रेड कलर में टेक्स्ट डेकोरेशन नज़र आ रहा है क्योंकि इसका कलर रेड सेट किया हुआ है। तो अब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आके, तो ये देखें टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर ग्रीन हो गया, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम CSS प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, मतलब जिस तरह से डॉटेड, सॉलिड, डबल लाइन हम ऐड करते हैं, तो इसका भी हम टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ डॉटेड, ये डॉटेड हो गया जी, ठीक हो गया जी। डिफरेंट टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं वन बाय वन, जिस तरह से यहाँ पर हैं, आप सॉलिड दे सकते हैं, डबल, डॉटेड, मैंने अभी डॉटेड दिया, डैश्ड, वेवी, वेवी अब मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आके, तो ये देखिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, कितनी थिकनेस आनी चाहिए इसकी, ठीक है, तो वो भी ऐड कर लेते हैं, अब 5 pixels कर देता हूँ, तो अब चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो ये 5 pixels आ रहा है। अगर मैं इसे 15 pixels कर दूँ, देन व्हाट हैपन्स, ये देखें जी 15 pixels में आ रहा है,
काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो चलें इसे मैं कर देता हूँ 3 pixels। क्लियर हो गया। अब इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन भी होती है, मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन आप दें तो आप वन बाय वन इनको भी दे सकते हैं, टेक्स्ट लाइन को, कलर को। चलें वो भी मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन का लाइन कौन सी ऐड मैं करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जी कि सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन आए, ठीक है। अगर दोनों करनी है तो दोनों भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये तो काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद कलर ऐड करना है तो आप कलर भी ऐड करें, ऐसे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, कलर भी आ गया। मतलब इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने शॉर्ट हैंड नोटेशन से ये वैल्यू ग्रीन दे दी है। ये है वेवी, वेवी की बजाय मैं यहाँ पर सॉलिड चाहता हूँ तो यहाँ पर सॉलिड लिख देंगे। ओके, यहाँ पर थिकनेस अगर 3 pixels है, मैं यहाँ पर 4 pixels कर देता हूँ। आप 3 pixels भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सेमी कॉलन से ख़त्म करेंगे, इसको भी हटा देते हैं। मतलब कि एक सिंगल मैंने CSS प्रॉपर्टी के ज़रिए देखें कितनी CSS प्रॉपर्टीज ऐड कर ली हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। ठीक हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आकर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। चलें जी इसे भी देख लेते हैं। अब देखें ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको ट्रांसफॉर्म मैं करता हूँ वो कैसे देखें। अब देखेंगे ना इसका आउटपुट तो आपको पता चल जाएगा ये यूज़ किस लिए होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। इसको मैं कर देता हूँ अपर केस। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं इसको तो ये देखें जितना भी कंटेंट नज़र आ रहा है हेडिंग का तो वो अपर केस में नज़र आ रहा है, मतलब कैपिटल लेटर्स में नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं लोअर केस कर दूं तो आप जितना भी कंटेंट है वो लोअर केस में नज़र आएगा, मतलब कि स्मॉल लेटर्स में, ये आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। इसमें कैपिटलाइज भी किया जा सकता है, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कैपिटलाइज हो गया। चले मैं कैपिटलाइज करें ना ऐसे, देखें ये CSS लिखा हुआ था ना तीनों कैपिटल लेटर में, बल्कि तीनों लेफ्ट कैपिटल में ही आ रहे हैं, तो इसको मैं स्मॉल लेटर में, अगर बल्कि इसको मैं स्मॉल लेटर में करता हूँ, चेक करते हैं आप, बल्कि इससे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें एक मरसा चेक कर लेते हैं CSS प्रॉपर्टी। हाँ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आई आना चाहिए था कैपिटलाइज। अब इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटलाइज आ रहा है। ठीक हो गया ना, तो देखें जी अभी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये स्मॉल लेटर में है ना, तो अब ये देखें यहाँ पर ये कैपिटल लेटर नज़र आ रहा है। अगर ये कैपिटल में है ना क्योंकि इधर कैपिटल लिखा, चलें जी इसे मैं ऐसे करता हूँ स्मॉल टी कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ, मतलब कि ये जो स्मॉल टी नज़र आना चाहिए अब। ठीक हो गया, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी नज़र आया, मतलब कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। किसकी वजह से, कैपिटलाइज की वजह से। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो CSS प्रॉपर्टी है उसके उसकी अगर वैल्यू हम कैपिटलाइज दें तो उससे क्या होता है कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज हो जाता है, मतलब कैपिटल हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हेडिंग पर ही अभी ये अप्लाई होंगी CSS प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है टेक्स्ट इंडेंट। अब ये टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है देखिएगा, अभी मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ टेक्स्ट इंडेंट तो आपको समझ आई हो पा जाएगी। इंडेंट तो मैं कर देता हूँ ये 20 pixels। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ से ये 20 pixels आगे चला गया। अगर मैं इसको सेंटर के बजाय लेफ्ट कर दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा आई थिंक। तो ये देखें यहाँ से डिफरेंस है थोड़ा सा। अगर इसको मैं 200 pixels कर दूं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ से इंडेंट आ गया इधर। ठीक है, मतलब उतनी उतनी स्पेस आ गई है। अब नेक्स्ट पर हम देखते हैं जी लेटर स्पेसिंग, मतलब कि लेटर्स के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए वो भी ऐड करके बता देते हैं। लेटर स्पेसिंग मैं कर देता हूँ लेट से 8 pixels। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो आप इन लफ्ज़ों के दरमियान देखिएगा स्पेस। तो हर
लेटर के दरमियान स्पेस कितनी आ गई है, 8 पिक्सल्स। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर स्पेसिंग, सॉरी ये तो हो गया ना, लाइन हाइट। तो यहाँ से लाइन हाइट, लाइन ज़्यादा होनी चाहिए इसका मतलब, इसको मैं कॉपी करके ना ऐसा करते हैं, कॉपी या पेस्ट करता जाता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा लाइन हो जाए। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये इंडेंट की वजह से आई हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है ये इंडेंट की वजह से है, जो कि मैंने कितना है 200 पिक्सल्स रखा हुआ है, तो बकाया में इंडेंट नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, लाइन हाइट की। तो लाइन हाइट में क्या होगा, अब देखिए इनकी लाइन हाइट कितनी की है, कुछ भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो लाइन हाइट है। अभी मैं ऐड करता हूँ तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। लाइन हाइट, मैं लाइन हाइट कर देता हूँ मसलन कि 15 पिक्सल्स। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो लाइन की जो हाइट है वो 15 पिक्सल होने की वजह से कितना क्रीप क्रीप नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा करनी चाहिए, मतलब मैं इसको 150 पिक्सल्स कर देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें एक एक लाइन के दरमियान कितनी हाइट नज़र आ रही है, ठीक हो गया जी। अगर मैं इसको कर दूँ 70, अब इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ से रिफ्रेश, तो ये देखें लाइन में कितनी हाइट नज़र आ रही है, लाइन हाइट है 70 पिक्सल्स। इस लाइन के बाद ये हाइट 70 पिक्सल्स, फिर लाइन शुरू हो रही है, फिर 70 पिक्सल, फिर लाइन शुरू हो रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग के बारे में, कोई ज़रा मुश्किल नहीं है। तो वर्ड स्पेसिंग को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर चलें इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब वर्ड स्पेसिंग आपको मैं बताता हूँ, वर्ड स्पेसिंग, वैसे आप लेटर वो जो है वो लेटर स्पेसिंग वो ऐड रहने दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए इसको अरेज कर दिया लेटर स्पेसिंग को, वर्ड स्पेसिंग। अगर मैं कर दूँ इसको वर्ड स्पेसिंग को लेट से 30 पिक्सल्स, तो मतलब हर वर्ड के बाद 30 पिक्सल्स आने चाहिए, मतलब कि ये CSS और लैंग्वेज ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान 30 पिक्सल्स आने चाहिए। ये देखें इन दोनों के दरमियान 30 पिक्सल्स, और यहाँ पर भी 30 पिक्सल्स, यहाँ पर भी 30 पिक्सल्स, ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट स्पेस के, वाइट स्पेसिस कितनी आनी चाहिए। तो वाइट स्पेसिस हम ऐड कर सकते हैं WHIT वाइट स्पेस, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वाइट स्पेस में लेट्स ये कितनी ऐड करना चाहता हूँ, 30। ओके मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये देखते हैं क्या वजह है। दरअसल ये जो वाइट स्पेस होती है ये इसलिए होती है कि ये जो वाइट स्पेसिस हैं उनको हैंडल कैसे किया जाए, मसलन कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ नो रैप, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं, तो नो रैप में क्या हुआ जी, कोई रैपिंग नहीं हो रही। तो ये देखें एक ही लाइन में सारा कुछ नज़र आ रहा है, क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पर रैप कर दूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसका मतलब इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये रैप हो रहा है। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वही रैप ही आ रहा है, मतलब कि वाइट स्पेस रैप। इसको मैं अब हटा देता हूँ, सेव करते हैं। अब नेक्स्ट हम CSS प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो जो है लाइन हाइट। ऑलरेडी आई थिंक इसको पढ़ चुके हैं हम लाइन हाइट को, ठीक है, यहाँ पर पढ़ा भी था लाइन हाइट, बिटवीन लाइन्स के दरमियान स्पेसिस को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट शेडो को पढ़ते हैं, इसको अच्छे समझिएगा, इम्पोर्टेंट है ये टेक्स्ट शेडो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट शेडो ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट शेडो। पहले वर्टिकली ऐड कर लें, मतलब मैं वर्टिकली टेक्स्ट शेडो ऐड करना चाहता हूँ 5 पिक्सल्स। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके मैं 5 करके इसको करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, नहीं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा हॉरिजेंटली और वर्टिकली इकट्ठा देना है। चलें जी, पहले हॉरिजेंटली आई थिंक होता है या वर्टिकली होता है, जो भी, मतलब दोनों देने तो दोनों ही हैं, दोनों को मैं 5 पिक्सल्स कर देता हूँ। सेव करते हैं, तो आप रिफ्रेश करते हैं आके, तो यहाँ पर आप शेडो देख सकते हैं, ठीक हो गया, ज़्यादा शेडो हो गया मेरे ख्याल में। यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें शेडो नज़र आ रहा है। शेडो का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके, ये दो किस लिए हम लिखते हैं, मतलब दो मरतबा क्यों लिख रहे हैं, पहली मरतबा वर्टिकल के लिए या हॉरिजॉन्टल के लिए, मतलब कि दूसरा भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के लिए, मतलब कि दोनों को इस्तेमाल किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए। एक को
वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, आई थिंक पहले हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली, लेकिन देना तो है दोनों ने, ठीक है, जो मर्जी पहले आ जाए। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक में शेडो नज़र आना चाहिए। चलो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ब्लैक में शेडो नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको ना मैं चाहता हूँ ये ब्लर नज़र आए, तो ब्लर के लिए भी एक और मरतबा दे देते हैं, मैं 3 पिक्सल्स में दे देता हूँ, तो अब ये ब्लर नज़र आना चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें नीचे पीछे जो शेडो है वो ब्लर नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो, इसको अच्छे से लर्न करें। मतलब कि पहला जो हम देते हैं, पहले जो दो देते हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली के लिए देते हैं कि शेडो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल के लिए कितना होगा। ये अक्सर ब्लर के लिए आई थिंक दिया जाता है, और ये शेडो का कलर देने के लिए होता है। मतलब इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, तो इसको मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें शेडो कलर ब्लू नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, जो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की उस हवाले से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे।